नमस्कार दोस्तों, प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी हमारी है आलू दम बनाना। आलू दम बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है, 15-20 मिनट लग गया है, तो आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें। ये हमारा आलू दम जो है चावल के साथ, रोटी के साथ, नॉन के साथ, पूरी के साथ, ये सबके साथ अच्छा लगता है, ये बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो ये आलू दम बनाने के लिए आप पूरा वीडियो देखा तभी समझ में आएगा कि ये आलू दम आलू बनाने के लिए। तो दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले आलू चाहिए। तो ये आलू देखिए, बड़ा आलू तो मैंने आधा काट दिया है, दो पीस में कर दिया है। जो छोटा है उसको मैंने साबुत रखा है इस तरह से। तो आलू को उबाल करके छील के इस तरह से कांटे वाला चम्मच लेके ऐसे ऐसे मैंने पूरे आलू में होल कर दिया है। अब देखिए, इसके आगे मैंने ये देखिए दही लिया है। दही मैंने मलाई वाली दही है, इसको अच्छे से फेंट लूंगी इसमें डालने के लिए। ये देखिए, दो मैंने टमाटर ली, बड़ी टमाटर है तो इसको मैं पेस्ट करूंगी। और ये देखिए, दो ठो प्याज है, बड़ी बड़ी प्याज है, इसको भी फ्राई करूंगी, फिर इसके बाद पेस्ट करूंगी। अब ये देखिए, 8-10 कलियां लहसुन की है, काजू है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और ये गरम मसाला में देखिए, काली मिर्च है, स्टार है, लौंग, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची है, थोड़ा सा बड़ी इलायची है, और दालचीनी है 1/2 इंच। और ये देखिए, 1/4 चम्मच धनिया लिया है, गोटा साबुत धनिया है, 1/4 चम्मच जीरा लिया है, 1/4 चम्मच सौंफ लिया है। अब ये देखिए, मैंने मिर्ची, लाल मिर्ची का मैंने इसका बीज निकाल दिया है। बीज निकाल करके इसको देखिए उबाल ली हूँ, उबाल करके इसको भी पीसूंगी। इसका बीज इस तरह से निकाली हूँ, तेज पत्ता डाल तड़का के लिए रखी हूँ। अब ये देखिए, मसाला में लाल मिर्च है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी, तड़का के लिए जीरा है, और ये गरम मसाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1 कसूरी मेथी है, धनिया पाउडर है। तो आइए अब हम आलू में नमक मिला लेते हैं। अब ये आलू है, आलू में हम नमक मिला लेंगे। इस तरह से मिला करके हम नमक 5 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। तो अब 5 मिनट में ये रखेंगे, तब तक से हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक पैन लिया है, इसमें मैं कुछ डाली नहीं हूँ। ये जो गोटा मसाला है इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। जाली 10% हुआ है, गरम करने का मतलब है कि पीसने में अच्छे से ये पीस जाएगा। आजकल थोड़ा ये नरम हो जाता है। तो अब ये हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ा सा तेल डाला है, बस 1 चम्मच ही तेल डाला है। इसमें अदरक, लहसुन और बादाम, काजू इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये भी फ्राई हो गया हमारा। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये अब उसी में हमने 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाली हूँ, 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाली हूँ। अब इसी में मैं ये ली हूँ इस तरह से, बड़ा बड़ा 2 प्याज है, इसको भी हम 50% 70% फ्राई करूंगी। इसको ऐसे परसेंट तक हम इसको भूनेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारा इस तरह से भून गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसको निकाल के ठंडा होने देंगे। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए, जब तक से हमारा मसाला वो ठंडा हो रहा प्याज, तब से हम मसाला पीस लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको पीसेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे अभी, बस खाली सूखा इसको पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से मोटा ही पीसा है इसको, सब मसाला इस तरह से हमने पीस लिया है ऐसे। अब इसी में मैं काजू, बादाम और अदरक, ये है जो इसमें डाल के पीसूंगी। तो मैं सूखा पहले पीस के, तो इसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के पीसूंगी। तो अभी मैं इसको पीस लेती हूँ सूखा। ये देखिए, इस तरह से हमने पीस लिया है इसको, सूखा ही पीसा है, नहीं तो अगर पानी पहले ही डाल देंगे तो अच्छा से पीसेगा नहीं। तो अब देखिए, इसमें मैं 2 चम्मच पानी डालूंगी, 2 चम्मच पानी डाल दिया। अब इसको हम पीस लेते हैं, अब बारीक पीसेंगे। पीसने के लिए भी मैं जार ले लिया उसी को, अब इसमें पूरा डाल के अब प्याज को भी हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, अब हम सब पीस लिए हैं। अब ये देखिए दही है, तो अब दही मलाई वाली है, तो इसको हम अच्छे से पहले दही को फेटेंगे। इस तरह से फेट लेते हैं दही को। ये देखिए, हमारी दही अच्छे से फिट गई है। अब इसमें जब मैंने जो पीस के रखा है उसको अब डालूंगी। तो देखिए, हमने पीसा है देखिए काजू, लहसुन, अदरक और जो गरम मसाला था वो सब पीसी हूँ। तो पीस के अब इसी में हम इस सबको डाल के मिला लूंगी अच्छे से। अब इसको हम डाल के अच्छे से मिला लूंगी, इसी तरह फेट लूंगी बढ़िया से।
ये देखिए ये ग्रेवी बनाना है, इसलिए इसमें डाल करके ये सब हम मिला लिए हैं दही में। तो ये हमने दही में सब कुछ मिला दिया है अच्छे से। अब ये देखिए हमने प्याज जो फ्राई किया था उसको भी मैंने पीस लिया है और ये टमाटर पीस लिया है। तो चलिए अब हमारे आलू के लिए, अब ये आलू को नमक डाल के 5 मिनट हो गया है, अब इसको हम फ्राई करते हैं। कर करके मैंने तेल गर्म किया है, तेल में से धुआं आने लगा है। तो अब गैस को मैं मीडियम करूंगी, करके मीडियम, तो इसके बाद मैं ये डालूंगी आलू। तो आलू देखिए मैंने इस तरह से इसमें छेदा कर लिया है, होल किया है, सारे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने आलू डाल दिया है, आलू डाल दिया, इसी तरह इसको हम फ्राई कर लेंगे। लाल होने तक इसको हम भून लेंगे, आँच मीडियम हो तभी जाके अच्छा से भूनिए। हमारी आलू हो गई है, बहुत अच्छा से हो गई है सब आलू हमारी। अब हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, अब सबको इसी तरह हम निकाल लेते हैं। हम पहला निकाल लिया है, अब दूसरा जो बचा था अब इसको हम इसी तरह फ्राई कर लें। ये देखिए अब हम सब तल लिए हैं, अब इस जो तेल बचा है उसमें से तो ज्यादा तेल था, मैंने निकाल लिया है। 3 चम्मच तेल और डाली हूँ इसमें। ये देखिए मैंने जीरा है, जीरा जल गया। ये देखिए तेज पत्ता है, ये भी जल जाए। ये देखिए थोड़ा सा हींग डालूंगी इसमें। अब ये जो हम प्याज जो पेस्ट बनाई हूँ, ये जो प्याज का जो पेस्ट बनाई हूँ इसको डाल दूंगी। ये जो हमने प्याज बनाई पेस्ट बनाई थी इसको हम इसमें डाल दिया तड़के में। अब इसी में जो जिस बर्तन में था उसी को धो करके पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, तभी जाके गाढ़ा है तो पतला होगा तभी जाके फिर भुनेगा। इस तरह से हम मीडियम आंच में, देखिए इस तरह से हमारा बन रहा है ये प्याज जो है। प्याज हमारे भुने हुए फ्राई किया हुआ प्याज है तो इसको ज़्यादा भुनने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जब हम ये पेस्ट बनाई हूँ टमाटर का, इसी में डाल दूंगी। अब इसको मैं भूनूंगी, जब ये मसाला हमारा भून, ये हमारा टमाटर और प्याज भून रहा है, अब इसी में हम मसाला डाल लेते हैं जो हमारे पास मसाला है। तो ये है हल्दी पाउडर, ये है गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची मैंने पीसा है लेकिन वो तीखा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ही डालूंगी, एक कसूरी मेथी। अब इनको हम मिला लेते हैं, अब इनको हम मिला लेते हैं। अब ये भुनेगा जब तक से ये तेल ना छोड़ दे तब तक से ये भुनेगा। इसमें डाल देते हैं नमक, ये थोड़ा नमक डालूंगी, नमक हमने आलू में डाली हूँ तो इसमें भी थोड़ा ही नमक डालूंगी। अब इसको हम भूनेंगे, जब तक से ये तेल ना छोड़ दे तब तक से हम इसको भूनेंगे। चलाते रहना है नहीं तो ये कहीं पकड़ लेगा। ये देखिए इस तरह से भून रहा है हमारा, इसको बार बार चलाना है, इसको ढकना नहीं है, बस खाली चलाते रहना है और आंच मीडियम करके भूनना है। तेल छोड़ दे, जब तक से तेल ना छोड़ता है तब से इसको भूनना है। ये देखिए तेल छोड़ दिया है अच्छा से ये मसाला। अब इसमें हम जो दही में मसाला मिला के रखी हूँ, काजू और अदरक लहसुन जो मिला के दही में रखी हूँ, अब इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। अब इसको डालने के बाद एकदम चलाते ही रहना है, इसको रोकना नहीं है नहीं तो ये दही है फट जाएगी। एकदम चलाते रहना है बराबर। ये देखिए जो दही के साथ हमने मिलाया था सब हमने इसमें डाल दिया है। अब देखिए जो दही वाला बर्तन जो था इसको भी मैं थोड़ा सा धो के डाल देती हूँ। पानी ऊपर से बिल्कुल गया इसमें, अब इसको उबाल आने देते हैं, चलाते रहना है जब तक से उबाल ना आ जाए नहीं तो ये फट जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे दही डालने के बाद ये तो उबल गया है। अब इसको जब उबाल आ जाता है तो फटने का डर नहीं रहता है। अब इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट पकने देती हूँ, इसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। अभी देखिए अच्छे से हमारा पक गया है ये ग्रेवी जो है। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं, इसमें हम आलू डाल देते हैं पूरा। ये देखिए हमने पूरा आलू डाल दिया इसमें, इस तरह से आलू हमारे पूरे में डूब गया है। अब इसको एकदम स्लो आंच रखेंगे, एकदम स्लो आंच रख के इसको हम दम देंगे कि ताकि ये जो ग्रेवी है इस आलू के अंदर आ जाए। तो इसको एकदम स्लो आंच करके हम अब दम देंगे इसको।
इसी का नाम है आलू दम। जब दम दे के बनता है दोस्तों तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम बिल्कुल स्लो आंच कर देते हैं, इसको ढक के दम दे देते हैं। अभी देखिए, अब दम देने के लिए हमें इसको ढकना है, अच्छे से ढक दिया और आंच को बिल्कुल स्लो रखना है गैस को, तभी जाके ये दम आलू बनेगा। कम से कम ना तब 5-7 मिनट तक इसको हम दम देंगे, बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे। ये देखिए हमारा 5 मिनट हो गया इसको दम आलू को दम देके। अभी देखिए कितना अच्छा पक रही है हमारी, एकदम मीडियम आंच मैंने रखा। देखिए इस तरह से हिला दें इसको, तभी जाके इसको चारों तरफ से मिलेगा। अभी और हम इसको 2-3 मिनट और रखते हैं। अभी देखिए 2 मिनट हमारा हो गया है, अब हमारी दम आलू तैयार हो गई है। देखिए एकदम से अच्छे से हो गई है हमारी दम आलू। देखिए इस तरह से हुई है, पूरा रस अंदर तक गया है इसका। धनिया डालते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप जरूर बनाना एक बार, ट्राई जरूर करना दोस्तों। अब हम इसको मिला लेते हैं। देखिए बहुत टेस्टी बना हमारा ये। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसमें डाल दिया धनिया काट के। अब हम आपको सर्व करके दिखाती हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनेगा। आप जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा एक बार। ये देखिए दोस्तों, मैंने बना दिया है आलू दम। आलू दम बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही अच्छा, देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी है। ये आलू चपाती के साथ खाएं, नॉन के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, सबके साथ अच्छा लगता है। तो आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें। अगर हमारा ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।